हेलो गाइस, आज आपका भाई है पंजाब में और आपका भाई दिखाएगा स्वर्ण मंदिर का पूरा व्यू। और वैसे भी आपने अभी टेलर देख लिया होगा थोड़ा सा, यानी कि चलते हैं और आपका हम दिखाएंगे पूरा व्यू यार स्वर्ण मंदिर का। और काफ़ी मुश्किल से बताया वीडियो बनी है यार, और इसमें हमने बताया पूरा कैप्चर दिखाया यार, नाइट का भी और पूरा दिन का भी, और यानी कि जहाँ पे औजार रखे जाते हैं जैसे पुराने औजार हैं। चलते हैं आपके लिए दिखाते हैं पूरा व्यू वीडियो का, और भाई वीडियो का पूरा मजा लीजिएगा। चलते हैं दिखाते हैं पूरा व्यू यार। गाइस देखिएगा, यह है अमृतसर का गोल्डन टेंपल, और ये आप सामने देख रहे हैं जूम से, ये पूरा सोने का बना हुआ है। बहुत ही प्यारा दृश्य है भाई यहाँ का, आप देख सकते हो। और भाई काफ़ी भीड़ है लोगों की, और मेरा आपके लिए यहाँ का नाइट का भी पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि नाइट में यहाँ का गोल्डन कैसे चमकता है। और ये बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है, यानी कि काफ़ी बड़ा मंदिर है स्वर्ण मंदिर, और इसमें गुरु नानक जी की बहुत ही बड़े लंगर चलता है। और देखिएगा भाई पूरा व्यू, और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से। भाई इतनी सुकून मिल रहा है, और मैं चल रहा हूँ ऊपर, और मैं ऊपर आपके लिए दिखाऊंगा पूरा व्यू, यानी कि चल के। और पूरा टोटल पत्थर से है, संगमरमर पत्थर का पूरा बना हुआ है। गाइस देखिएगा, गाइस मैं आ गया हूँ स्वर्ण मंदिर के ऊपर, और आप ये देख सकते हो फोटो लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े, जैसे कि फोटो लगे हैं तो उनके नीचे यानी कि पूरी स्टोरी दी हुई है और नाम सब कुछ, कब अटैक हुआ था देख सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जी की पूरा और नानक जी का फोटो लगे हुए हैं, और ऊपर के साइड पे आप देख सकते हो कि औरंगजेब वजीर खान ने यहाँ पे काफ़ी आक्रमण किया था, यानी कि देख सकते हो वजीर खान ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। देखिएगा उन्होंने जिंदा आदमी के लिए दीवार के अंदर चुनवा दिया था। वजीर खान का कहना था कि धर्म परिवर्तन करने के लिए हमारे मुस्लिम धर्म में आ जाओ, हम आपके लिए नहीं मारेंगे। देखते रहिएगा पूरा व्यू भाई, सपोर्ट करना। जोरावर सिंह फतेह सिंह, इन दोनों बच्चों के लिए उन्होंने दीवार के अंदर चुनवा दिया था, और उनका भी फोटो हम दिखाएंगे। देख सकते हो ये शर्ट से लगा हुआ है। बशीर खान का कहना था कि आप लोग यानी कि मुस्लिम धर्म अपना लो, हम आपके लिए छोड़ देंगे, पर जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने इनकी बात नहीं कबूली, तो इन बच्चों के लिए उन्होंने दीवार के अंदर चुनवा दिया। देख सकते हो आप पूरा व्यू, और इनकी समाधि सरहिंद में है। अगर मौका मिलेगा तो मैं सरहिंद में भी जाऊंगा, और इनका पूरी समाधि का पूरा व्यू दिखाऊंगा, आप पढ़ सकते हो। और ये सामने ये भाला रखे हुए हैं, बहुत ही भारी भाला है, यानी कि 40 किलो का भाला एक है। पता नहीं पहले के लोग यानी कैसे इसके लिए भाला उठा लेते थे, और आज के टाइम पर ये लोग कुछ भी नहीं उठा पाएंगे। और ये सामने देख सकते हो वजीर खान है, सोने के सिक्के पता नहीं क्या है, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, पढ़ सकते हो पूरा व्यू भाई। और ये देखिएगा सोने के सिक्के हैं, उन्होंने वजीर खान ने लिखवा लिया है, और वजीर खान ने यानी कि काफ़ी अत्याचार किया था, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को मशीनों में कुचलवा दिया था। आप देख सकते हो इसमें फ़ोटो में, और ये देख सकते हो काफ़ी फ़ोटो लगे हुए हैं इसमें। और सल्लू बिलसी चैनल ही आपके लिए पूरा डिटेल दिखाएगा, हर एक बारीक से समझाएगा, और सपोर्ट करना भाई सल्लू बिलसी चैनल के लिए। और गाइस मैं चलता हूँ दूसरी तरफ, और ये देख सकते हो आप पूरा व्यू इधर का, इधर भी ढेर सारे फ़ोटो लगे हुए हैं, देखिएगा पूरा के। ये देखिएगा भाई, ये हैं ये लड़ाई में लोग कुर्बान हो गए थे, इनके फोटो हैं। और मेरे लिए यहाँ पे वीडियो बहुत ही चुपके से बनानी पड़ रही है, क्योंकि इसमें वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाव नहीं है। और देख सकते हो इधर फोटो लगे हुए हैं, ये सभी लोग लड़ाई में लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए। बशीर खान ने
अपनी हर ताकत आजमा ली थी इनके लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए मुस्लिम वाला, बट ये लोग उन्हें बिल्कुल भी धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपनी जान दे दी। और मैं आपके लिए यहाँ के औजार दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि पहले आक्रमण होते थे तो वहाँ पे ये देख सकते हो, पुराना टाइम का बीड़ा रखा हुआ है, इसे बजाते थे। और ये सामने सिक्के रखे हुए हैं, देख सकते हो आप। और ये मिसालें हैं जो पहले छोड़ी जाती थी, देखिएगा ये सामने। और हथगोले भी रखे हुए हैं, पूरे औजार नहीं है, पुराने ज़माने के। और सल्लू भर से चले गई सपोर्ट करना यार। और ये देख सकते हो ये हथकोले हैं। और गाइस मैं आ गया बिल्कुल सोने के कुंभक के पास में, देख सकते हो ये पूरा गोल्डन का यानी कि सोने का पूरा बना हुआ है भाई, इतना चमक रहा है। बहुत ही इसकी मोटी परत है काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा। स्वर्ण मंदिर पे चाहे बड़ा से चाहे छोटा से, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यानी कि हर प्रकार के लोग यहाँ आ सकते हैं और लंगर खा सकते हैं। और आपके लिए दिखाता हूँ मैं नाइट का पूरा व्यू। गाइस आप देख सकते हो ये पूरा नाइट का पूरा व्यू है गोल्डन टेम्पल मंदिर का। देखिएगा भाई कितना प्यारा लग रहा है और कितना प्यारा दृश्य आ रहा है। और भाई एकदम सोना नहीं है, एकदम इतना चमक रहा है बहुत ही ज़्यादा, इतना लाइट मार रहा है गोल्डन, सामने देख सकते हो आप। और भाई पता है जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ, यानी कि जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, पता है ऐसा वीडियो होता है किसी ने भी नहीं दिखाया है फुल गारंटी के साथ भाई, क्योंकि इस मंदिर पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तब भी आपका सल्लू भाई वीडियो बना रहा है, ओनली फोटो खींच सकते हो भाई, क्योंकि वीडियो बनाते ना तो तब तक कोई ना कोई आ ही जाता है। फौजी लोग हैं यहाँ पे, पुलिस के भी हैं। और देख सकते हो सामने पीछे गोल्डन कैसे चमक रहा है मंदिर का, और बहुत ही प्यारा मंदिर है भाई। और वीडियो में आपके लिए बताया यार, एंजॉय आ रहा हो पूरी वीडियो देख के भाई, पहले लाइक करना तभी बाद में यार चैनल को सब्सक्राइब करना यार, सपोर्ट करना भाई यार सल्लू भाई के लिए। ये देख सकते हो कुंभक भाई, पूरा पीला पीला दृश्य आ रहा है भाई, एकदम क्या बताऊँ, इतना प्यारा नज़ारा है। ये देख सकते हो कुंभक बहुत ही मस्त लग रहे हैं भाई, सपोर्ट करना अपने सल्लू पिल्सी चैनल के लिए, प्यार बना के चलना भाई पे। और भी चीज़ दिखाऊंगा मैं आपकी पंजाब की, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मेरे पास कैप्चर कर रखी हैं आपके भाई के भाई ने, देखते रहिएगा भाई वीडियो का पूरा मज़ा लेते रहिएगा। और गाइस ये देख रहे हो आप गोल्डन टेम्पल, यानी कि ये पूरा टोटल सोने का है, देखिएगा भाई पूरा जूम से दिखा रहा हूँ। और मैंने दिन में भी आपके लिए दिखाया होगा यहाँ का पूरा व्यू, उसमें भी देख सकते हो। गाइस यार आपके लिए वीडियो में एंजॉय आया हो तो वीडियो को यार ज़रूर लाइक करें, और सल्लू बिल्सी चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें भाई, देखती रहिएगा भाई पूरा नज़ारा। और मैंने यार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का मैंने पूरा व्यू यानी कि फुल डिटेल दिखा दिया है, बाहर से भी और पूरा अंदर से भी पूरा मंदिर का। सपोर्ट करना भाई सल्लू बिल्सी चैनल के लिए, मिलते हैं ऐसी जोरदार वीडियो पे।